लड़कों क्या मैं अकेला हूँ जिसने गर्मी की छुट्टी में आराम नहीं किया? स्माइल दिखावा मत करो यार, मैक्स बस भी करो। तुमने देखा मैंने आराम नहीं किया, ब्राउज तुम्हारी बारी अभी। गंदा, बहुत गंदा है ये। तुम्हारा क्या मतलब है स्माइल गंदा? क्यों, मैं तो कैंप में हूँ, तुमसे भी अच्छा खेलता हूँ। लड़को शांत हो जाओ, स्माइल झगड़ा बंद करो, मैं तुमसे भी बेहतर बास्केटबॉल खेलता हूँ। लूजर्स, देखो वो क्या कर रहे हैं। ओफो लड़कियों, मैं बहुत हैरान हूँ, पढ़ाई का दूसरा दिन है और बहुत सारा होमवर्क भी करना है, बहुत मुश्किल है ये सब। गिगी, ये आसान है, मुझे पिछले साल भी परेशानी नहीं हुई थी। मॉर्शिया, क्या मैं कैंडी ले सकती हूँ? जूली, मैं ऐसा नहीं करती अगर तुम्हारे जगह। क्या तुमने सुना मॉर्शिया, क्या तुमने खुद को देखा है? ठीक है, ले जाओ। शुक्रिया। तो लड़कियों, मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ। वैसे हमारे लड़के किधर हैं? मुझे दिख नहीं रहे। गिगी, वो यहाँ है। हेलो मेरे डार्लिंग्स, अगर अभी तक आपने मेरे गेम डायनासिटी नहीं खोला है तो मैं आपको इसे अभी खोलने की सलाह दूंगी और आप पहुंच जाएंगे ब्यूटी और रोमांस की एक अलग दुनिया में। इस गेम में आप मुझे और सीरीज में मेरे दोस्तों को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही आप ब्यूटी सैलून भी जा सकती हैं। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन ज्यादा पसंद आया। गेम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लड़कों, मुझे नए चीयरलीडर से प्यार हो गया है और मुझे पसंद आई नई लड़कियां। हम अपनी लड़कियों को क्या कहेंगे, वो तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। लड़कियों, क्या तुमने ये देखा, हमारे लड़के सिर्फ हमारी तरफ देख रहे हैं। हाँ, मेरा पात्रिक मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ, उन्हें तो नई चीयरलीडर्स पसंद भी नहीं आई। तुम सोच सकती हो वो हमसे कितना प्यार करते हैं? शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। सोचने दो उसे, मैंने मोहर्षिया को बहुत समय से सहन कर लिया, अब मुझे एक नया रिलेशनशिप चाहिए। गिगी, मैं यहाँ हूँ। ओ हाय दोस्तों, क्या तुम में से कोई मुझे $50 उधार दे सकता है? हाँ बताओ। अरे अरे, नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता था लेकिन अब मुझे दूसरे चीयर लीडर्स पसंद है। जाओ और बास्केटबॉल प्लेयर से पूछो। तुम उनके पीछे पागल हो। पात्रिक, सही में चीयर लीडर्स, लेकिन गिगी का क्या लालची। चलो लड़को, बहुत हो गया, अब नई चीयर लीडर्स को डेट करते हैं और शानदार बनते हैं। बहुत हो गया, शानदार बनते हैं, हम सब है साथ, हम सब शानदार है। तुम शानदार हो पात्रिक। कोस्टिया चीयर लीडर्स आ गए। कोस्टिया, डायना से बोलो ना मुझसे बात करने के लिए। डीमा, मैं क्यों कहूँ, कोस्टिया तुम मेरे दोस्त हो ना? ठीक है। कोस्टिया चलो ना प्लीज। डायना, क्या हम तुमसे कुछ बात कर सकते हैं? डीमा पूछ रहा है। कोस्टिया, क्या डीमा की जुबान कट गई है? क्या वो खुद से नहीं पूछ सकता? डायना, है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? बहुत जरूरी है डायना, प्लीज उससे बात कर लो, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है एकदम से। डीमा, ये बात किस बारे में है बताओ? हाँ डायना, 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 देखो देखो ना उधर क्या चल रहा है। ठीक है डीमा, हम बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी चलो देखते हैं। ओफो, ये लड़की खुद को क्या समझती, इसने मुझसे बात क्यों नहीं किया। डीमा शांत हो जाओ, स्कूल में सब लोग बात करेंगे ना, तुम चुप रहो। तो लड़को, कोई मुझे $50 उधार दे सकता है? दोस्तों चलो साथ मिल जाते हैं। ए अरे रंग वाली, ये मेरा सहयोग है। लड़को, चीयर लीडर्स आ गई है। मौली, तुम यहाँ से निकलो जल्दी प्लीज। ठीक है। ओफो लड़को, गलती से मैंने ₹500 के नोट दे दिए, अब क्या करूं? अरे रंग वाली ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया, मैंने उसे कहा था कि बास्केटबॉल प्लेयर्स के पास मत जाना लेकिन फिर भी गई। डायना देखो, प्रवास की और मैक्स के बगल में खड़ी है, देखो उसे। वो मैक्स के बगल में ही खड़ी। लड़कियों, वो सबके बगल में खड़ी होती है, क्या तुम देख रही हो? चलो यहाँ से। ओ लड़कियों, चीयर लीडर्स आ गई है। तो लड़कियों, हरे रंग वाली को जरूर मिलेगा जिसकी वो हकदार है। मुझे मतलब नहीं है, बेहतर होगा कि हरे रंग वाली बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ फ्लर्ट करे। जूली, क्या तुमने मैथ्स का होमवर्क किया? मैंने नहीं किया है। लड़कियों लड़कियों, देखो मेरे ब्रॉस के लिए उसे कुछ दिया है, देखो उसे। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। क्या तुमने सुना हरे रंग वाले, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तुम्हें कहा था ना। ओ चीयर लीडर्स, मैंने लड़कों से $50 मांगे हैं क्योंकि मुझे कैफे जाना था, मैंने उन्हें कहा है कि मैं उन्हें कल वापस कर दूंगी, बस यही बात है और कुछ नहीं। कल पैसे वापस दे देना तुम। अरे रंग वाली, क्या तुम भूल गई हो, तुम्हारे और मेरे बीच में क्या सहमति हुई थी कि तुम बास्केटबॉल प्लेयर्स के पास नहीं आओगे कभी भी, समझी? प्रवास की, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने उसे उधार दे दिया $50 और कल मैंने तुमसे मांगे थे $50, तुमने मुझे नहीं दिया था। याना शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी, तुम्हें बस एक बार चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि प्रवास की मेरे लिए खरीदे। मुझे समझ नहीं आता कि इसे क्या कहना चाहिए, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, तुम्हारे रंग वाली के पास ही, ठीक है ना? हाँ ठीक है चीयरलीडर्स, मैं कैफे जाऊंगी और बास्केटबॉल प्लेयर से निपटूंगी। ठीक है प्रवास की, मैं जा रही हूँ, बाय। चीयरलीडर्स, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस ये चाहते थे कि ये हरे बालों वाली हमसे दूर हो जाए। हाँ, ब्राउस ने थोड़े पैसे दे दिए उसे ताकि वो हमारा पीछा छोड़ सके। तो लड़कियों, क्या तुम्हें इन पे भरोसा है? नहीं। ठीक है लड़को, हमें तुम पे भरोसा नहीं है, तुम्हारे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे रंग वाले से बात नहीं करोगे। ब्राउस, तुमने ₹500 के नोट क्यों दे दिए उसको?
मेरी बात सुनो, मैं डायना से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता हूँ, समझे ना तुम। ये करने के लिए कहा था ताकि वो हमें अकेला छोड़ दे। हाय लड़कियों। हाय चीयरलीडर्स। लड़कियों मुझे ये बताओ कि हरे रंग वाली कितने समय से बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ थी। लड़कियों क्या उसने उसे किस किया? और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है ना? हाँ। तुम्हें पता है क्या चीयरलीडर्स, हम तुम्हारे बास्केटबॉल प्लेयर्स को नहीं देखते हैं। हाँ, हम अपने लड़कों को देख रहे हैं। वो उनके पास भी गई थी। हाँ, लेकिन हमारे लड़कों ने उसे जल्दी ही भगा दिया, लेकिन तुम्हारे वालों ने उसे वहीं पे रखा। मैं समझ गई, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लूजर्स ने हरे रंग वाली को भगा दिया। तुम देख रही हो डायना, उसने उसके साथ फ्लर्ट किया है। ठीक है लड़कियों, हमें स्कूल जाना होगा और चर्चा करना होगा सीरियस होके। चीयरलीडर्स आ रही हैं। लड़कों तुम्हें हेलो कहना चाहिए। हाँ? मैं देख रही हूँ तुम घमंडी हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम कितने घमंडी हो। अच्छा सुनो, तुम हम तुम्हें हेलो क्यों कहे? क्या तुम्हें पता है स्कूल में नए चीयरलीडर्स आए हैं और वो बहुत खूबसूरत हैं। डायना कौन है? कौन नहीं चीयरलीडर्स। हाँ लड़कियों, मैं तुम्हें बताना भूल गई, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ओ लड़को देखो, चीयरलीडर्स दरी हुई हैं। चलो लड़को क्लास चलते हैं और फिर नए चीयरलीडर्स के पास चलते हैं। लड़के तुम्हारा कौन सा क्लास है? डायना कौन से चीयरलीडर के बारे में बातें करने वाली थी? हाँ बताओ मुझे। या तुम हमें कुछ भी नहीं बता रही हो। या ना प्लीज, मेरे लॉकर से दूर हट जाओ। सुनो लड़कियों, हमारे अलावा यहाँ और भी कोई पढ़ने वाला है, और हाँ चीयरलीडर्स की नई टीम भी बनने वाली है अब, ठीक है? डायना हमें चीयरलीडर्स की जरूरत नहीं है, हम खुद चीयरलीडर्स हैं। हाँ हमें क्या जरूरत है किसी और की, जब आखिरकार हम लोग खुद ही चीयरलीडर्स हैं। लड़कियों आगे बढ़ने के लिए, हमेशा बेहतर रहने के लिए। बेहतर रहने के लिए। हाँ चलो अभी। हाँ चलो 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 अंदर चलो चलो। ए ये कौन सी चिल्लाने की आवाज है? वही तो। अरे हाँ, ओफो सच में ये लोग पागल हो गए हैं ऐसा लगता है। ठीक है पैट्रिक, मैं तुमसे अगले ब्रेक में मिलूंगी, बस चीयरलीडर के साथ फ्लर्ट मत करना, ठीक है? मैं फ्लर्ट नहीं करता हूँ गिगी। आर्ट्योम डायना के साथ फ्लर्ट मत करना। ओ कुकू, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, मुझे लगा कि तुम और मैं एक ही क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अब मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं कैसी हूँ तुम मुझसे पूछ रही हो? तो जैसा कि ब्रवास्की ने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। हाँ और कैफे में याना ने देख लिया, वो बहुत गुस्से में थी, बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी वो, मुझे बहुत मजा आया। ओ हरे रंग वाली, मैं देख सकती हूँ कि तुम पहले से ही कैफे में हो। हाँ। तुम ब्रवास्की के पैसों से? हाँ बताओ। तो लड़कियों उसने खुद के लिए बन खरीदा है, क्या तुम इसके बारे में सोच सकती हो? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। लड़कियों मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग इतने गुस्से में क्यों हो। वैसे मैंने पैसे उधार लिए हैं क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं घर पे भूल आई थी, मैं उसे वापस कर दूंगी। ओ हरे रंग वाली, शायद तुम भूल गई हो कि हमारे बीच में क्या सहमति हुई थी। ये स्कूल छोड़कर भी तुम जा सकती हो, बस हो गया, तुम यहाँ नहीं रहोगी। डायना चलो ऐसा ही करते, बस हो गया, वो यहाँ से निकल जाएगी। लड़कियों ज्यादा खुश मत हो, शायद वो सबका ध्यान खुद पे लाने के लिए ऐसा कर रही हो। ओ डायना मैं इतनी आसानी से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं नई चीयरलीडर टीम का हिस्सा हूँ, कल पहली रिहर्सल भी मेरे साथ ही होगी, समझी? डायना लड़कियों मुझे नहीं लगा था कि वो चीयरलीडर की टीम का हिस्सा इतनी जल्दी बन जाएगी। डीमा ये बहुत ही बेकार तरकीब है, कोस्टिया मैं क्या कर सकता हूँ, उसने तो मुझसे बात भी नहीं की। हम स्कूल आए हैं ना, तो क्या मुझे बात करने के लिए इंतजार करना होगा? हमें कुछ करना होगा। कोस्टा डायना का लॉकर किधर है? मुझे नहीं पता कहाँ है उसका लॉकर, मैंने देखा ही नहीं है अभी तक। इसमें तो बहुत सारे लॉकर्स हैं, डायना का कौन सा है? डीमा सबका खोलो, तुम्हें पता चल जाएगा डायना का कौन सा है। मैं दरवाजा पकड़ के खड़ा हूँ। हाँ हाँ उसे जोर से पकड़ना, समझे ना तुम, हमें कुछ करना होगा। ये तो याना का है। ओए ये है डायना का, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, डायना देखेगी तो इसे जरूर पढ़ेगी। डाइमा क्या कर रहे हो, जल्दी करो जो भी तुम कर रहे हो। कोस्टिया ये देखो, इसमें मेरे दिल की बात लिखी है, डायना इसे देखेगी तो जरूर मुझे प्यार करेगी, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ डीमा देखना, क्योंकि तुम 10 में पढ़ते हो इसलिए वो तुम्हें जरूर प्यार करेगी, देखते हैं। कोस्टिया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही रोमांटिक हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। चलो अब चलते हैं हम लोग। वैसे मैं भूल गई कि मैंने फॉर्म भी ऑर्डर किए थे, प्लीज मेरे लिए यूनिफॉर्म ऑर्डर कर दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगी, ठीक है? चलो बाय। हाँ ठीक है बाय। हरे रंग वाली, तो तुम सिर्फ चीयरलीडर नहीं बनना चाहती हो, है ना? हाँ बताओ। बिल्कुल, बस इतना ही नहीं है डायना, वो मेरी ब्रवास्की को भी चुराना चाहती है, मुझे पता है। ओफो डायना, तुम्हें खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तुम हर समय चिल्लाती रहती हो। हाँ लड़कियों सुनो, अगर हरे रंग वाली हमसे मुकाबला करना चाहती है तो मुकाबले करने के लिए तैयार है, ठीक है ना? ए डायना तुम आ गई, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। डीमा अभी नहीं। डीमा बाद में, ठीक है ना?
बाद में, हमेशा क्यों बाद में? डीमा शांत हो जाओ, पागल हो गए हो क्या तुम? कोस्त्या मुझे पानी दो। डीमा डायना यहाँ पर नहीं आई है, समझे ना? नहीं आई है तो ठीक है। अच्छा लड़कियों, तुम्हें कॉफी चाहिए क्या? पिलाऊं क्या मैं? धन्यवाद। लड़कियों नहीं, शुक्रिया क्यों? हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स उस हरे रंग वाली को पैसे उधार दे रहे हैं बन के लिए। लड़कों को हमें ट्रीट देने दो, तब वो चलेंगे। यार क्या तुम सीरियस हो? हाँ डायना मैं सीरियस हूँ। तुम्हें पता है क्या लड़कियों, ये सही है, हमें बास्केटबॉल प्लेयर्स को सजा देनी चाहिए। उन्हें भी तुमसे चलने दो। शुगर चाहिए या शुगर फ्री? ठीक है। हाँ। ओ लड़कियों, अब तुम्हें बास्केटबॉल प्लेयर्स की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं उन्हें बता दूँ कि तुम फुटबॉल प्लेयर्स के साथ लाटे पी रही हो। हाँ। हरे रंग वाली जलो मत तुम। हाँ। सब लोग हमसे बात करना चाहते हैं। और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं। लड़कियों ये लो, बहुत गर्म है। शुक्रिया कोस्त्या, बहुत मजेदार है ये। हाँ वैसे डायना, मैं क्या तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज? हाँ डायना प्लीज, डीमा की बात सुन लो ना। वैसे लड़को हमारा झगड़ा हो गया है चीयरलीडर्स के साथ। लड़को इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है लड़को, हम गम्स यहाँ रखते हैं, हमें लड़कियों को खुश करना चाहिए। चलो ठीक है। ओफो, याना ने मुझ पर बहुत चिल्लाया क्योंकि मैंने हरी रंग वाले को पैसे उधार दिए। लड़को हम सच में सही में बहुत गलत है, हमें उस हरे बालों वाले से बात नहीं करना चाहिए। हम जब भी उसे देखेंगे तो नजरअंदाज कर देंगे। नहीं हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि चीयरलीडर्स गुस्सा क्यों है। लड़को ये देखो, यहाँ पर किसी ने चिट्ठी लिखी है, उसने डायना को कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस भी करो स्माइल, शायद डायना ने ही कुछ से लिख कर यहाँ चिपका दिया हो। हाँ हाँ, बेहतर होगा कि हम खाना खा के घर चले जाए। हाँ मैं भी सहमत हूँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। डायना मैं चाहता हूँ कि हम लोग फिर से दोस्त बन जाएं, अच्छे दोस्त। वैसे मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्या तुम आओगी मेरे घर? लड़कियों आओ ना, बहुत मजा आएगा, डायना ने हाँ कहा। ओहो, तो चीयरलीडर्स इसीलिए हमसे दूर हुई थी। याना तुम कोस्त्या के बगल में जाके क्यों बैठी हो? तो तुम्हें बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें फुटबॉल प्लेयर्स चाहिए। तो बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुम्हारी लड़कियाँ अच्छी है ना, देखो फुटबॉल प्लेयर्स के साथ लाटे पी रही है। बास्केटबॉल प्लेयर्स, मुझे समझ नहीं आता कि दिक्कत क्या है। तो हरे रंग वाली को बन के लिए पैसे देना सही है, और फुटबॉल प्लेयर्स ने हमें लाटे पिला दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है लैला, फुटबॉल प्लेयर्स के साथ पियो लाटे। मैं समझ गया, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। यार तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। बात लेटर की नहीं है लड़कियों, डायना के लॉकर में किसी ने चिट्ठी छोड़ी है और उसमें लिखा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। वाओ डायना, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत शानदार हो, किसी को भी तुमसे प्यार हो जाता है, समझी ना? स्माइल कौन सी चिट्ठी, मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ तुमने सुना स्माइल, जाओ तुम अपने हरे बालू वाले के पास जाओ। कोस्त्या मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लड़को चलो हम लोग चलते हैं, हरे बालू वाले के पास चलते हैं। हाँ लड़को बिल्कुल, जगह खाली, उन्होंने सिर्फ कुर्सियाँ ली है। देखो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, समझी? ठीक है लड़कियों, लगता है निकलने का समय आ गया है अभी। ओफो, अभी स्कूल का दूसरा ही दिन है और हमारी लड़ाई होगी बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ। आप क्या कर सकती हो लड़कियों, ये हमारे निकम में बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं। डायना क्या तुम आओगी? हाँ जी माँ मैं आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना ठीक है? तुम्हारा मतलब क्या है, तुम किधर जाने वाली? स्माइल ध्यान मत दो, तुम उनको मत दिखाओ कि हमें उनकी चिंता है। ओफो लड़को ये कितनी अजीब बात है, हमारा झगड़ा हो गया, हरे रंग वाली ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं गमी चाहिए। ओफो लड़कियों, हमारे बास्केटबॉल प्लेयर्स अब उस हरे रंग वाली के साथ बैठेंगे। डायना और मैंने तुम्हें कहा था कि फुटबॉल प्लेयर्स के साथ मत बैठो। याना तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारा ही सुझाव था ना? याना असल में ये सिर्फ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ है, तुम्हें अपने ब्रवास्की से जलन हो रही थी क्योंकि उसने हरे रंग वाली को पैसे दिए थे बन के लिए। ठीक है लड़कियों, हमें अब घर जाना चाहिए, चलो चलते हैं। हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए शानदार वीडियोस का इंतजार करें। और हम घर जा रहे हैं, हमारा झगड़ा भी हो चुका है बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।